कह लीजिए बहुत मजा आ रहा था बहुत कुछ सीखना था लेकिन बहुत मजा आ रहा था क्योंकि आज जितना मैं डरा हुआ हूँ ग्रेटफुल उतना ही मैं खुश भी हूँ आज मैं जब घर जाऊंगा तो रूम में मैं बिल्कुल बंद करके नार्सिस की तरह मैं बोलूंगा कि मैं ऐसे फिल्म का हिस्सा हो और थैंक यू सो मच हर बार तुम कोशिश करते हो कि मैं कुछ नया परोसूं हमारे ऑडियंसेस के लिए और बिल्कुल भी यार यू नो जब तुम पहले आते थे तो हमारी चॉकलेट बॉय जॉल लाइन ये सारी चीजें हैं इसके बावजूद तुम ऐसे कैरेक्टर्स उठा लेते हो विच इज फैंटेस्टिक एंड फॉर एस एस ऑडियंस हम लोग बहुत खुश हो जाते हैं जी मुझे ये पहले समझ में आया था कि जितना आप अपने काम से प्यार करते हो और जितना अपने आप को ऐसे सिचुएशन में डालते हो कि आपको पूरी तरीके से नहीं पता कि कैसे करना है उतना आप सीखते हो आ, लेकिन इस बार मैं बोलना चाहूँगा कि इस फिल्म में मैं अभी भी बहुत डरा हुआ हूँ कि मैं वो स्टेज शेयर कर रहा हूँ जिन जिन जिनका मैं फ़ैन रहा हूँ कब से मुझे भी पता नहीं सर सॉरी बट आप हमेशा बोलते हैं कि कब से मतलब बट बहुत ग्रेटफुल हूँ और कमाल की बात यह है कि जिस अभिषेक सर जैसे भूमि ने बोला मेरे भी बकेट लिस्ट में थे और अचानक से एक दिन फोन आया और वो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें तो कुछ सुनाना चाहता हूँ और मुझे लगा था फिल्मी हो फिर मुझे लगा फिल्मी होगा <laughs> और फिर उन्होंने एक पेज पढ़ा और मैंने सर को रोका और मैंने सर को कहा कि आप आप, आप वेस्ट मत करिए टाइम मैं प्लीज़ करना चाहता हूँ मैं अभी आपको वैसे ही ढूंढ रहा था एंड देन आई रेड द स्क्रिप्ट और रात को मैंने फ़ोन किया सर को और मैंने कहा कि आई uh, sure, uh, आप सही बोल रहे थे ना कि मैं हूँ क्योंकि ये बहुत ही uh, वैसा कैरेक्टर है जो um, काबिल है uh, उस बात को लेके श्योर है लेकिन उसके अपने क्वेश्चन हैं और सर्च में है uh, किसी बात को लेके uh, जो मनोज सर और जो एक्सपीरियंसेस होते हैं uh, उसके थ्रू वो सीखता है uh, तो एग्जैक्टली सेम माहौल था मनोज सर आशुतोष सर रणवीर सर भूमि इन सब के बीच में मैं जब एक्टिंग कर रहा था तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं आज ये कर सकता हूं मुझे तो पूरा विश्वास था भाई और हम लोग जब थिएटर्स में जाते हैं अराउंड चॉइसेस इवन आई बी दी ओनली पर्सन फेल्ट कैसा लगा ये कैरेक्टर और लैंग्वेज आपके लिए इजी थी कि नहीं uh, कह लीजिए बहुत मजा आ रहा था बहुत कुछ सीखना था लेकिन बहुत मजा आ रहा था क्योंकि आज जितना मैं डरा हुआ हूँ ग्रेटफुल हूँ उतना ही मैं खुश भी हूँ आज मैं जब घर जाऊँगा तो रूम में मैं बिल्कुल बंद करके नार्सिस की तरह मैं बोलूँगा कि मैं ऐसे फिल्म का हिस्सा हो और थैंक यू सो मच अभिषेक सर रॉनी सर आ, बीच में किसी लॉजिस्टिक्स की वजह से डेट्स मेरी आ, पुरानी फिल्म में थोड़ी पुश हो गई थी डेट को लेके तो काफ़ी डेट्स के लिए आ, आप लोग को बहुत प्रॉब्लम हुई आप सबको मैं बहुत दिल से थैंक यू बोलता हूँ कि फिर भी आप लोगों ने इस तरीके से सपोर्ट किया एंड हैव अ ट्रेलर इन विच आई एम देयर विद देम सो आई एम रियली Really grateful. Thank Before you. Before so you sit down, you have this amazing connection, and I say this sometimes. You know, the the connection works with Ronnie sir. आप लोग का ये जो चल रहा है the box office. You know, congratulations on that. But uh, what's the working relationship like? यहाँ पे थोड़ा बताएं. सिर्फ फिल्म जैसे फिल्म की बात रहने दीजिए मैं अपने uh, लाइफ में बहुत सारे ऐसी चीज़ें जो मुझे अच्छी लगती हैं जिसके लिए बहुत अलग चीज़ें सीखने आ, सीखना होता है मैं जब रोनी सर को देखता हूं तो बहुत ही कंडेंस्ड वे में इकोनॉमिकल वे में दो लाइनों में उनकी किताब में या कॉन्वर्सेशन में बहुत कुछ लेके जाता हूं और इसलिए सर आ, हम दोनों बहुत कम मिल पाते हैं लेकिन मैं प्रोसेस कर रहा होता तो आप कैसे काम करते हो थैंक यू सो मच फॉर बींग ऑलवेज एन इंस्पिरेशन आई लर्न अलॉट फ्रॉम यू थैंक यू थैंक यू सो मच सुजान डू टेक सी थैंक यू सो मच subscribe to biscuit tv and press the bell icon on your youtube app and never miss another bollywood update from biscuit tv